एक बच्चा आ गया, यतीम बच्चा। उसने आके अर्ज की, हुजूर तीन घर में अफराद हैं, मैं, मेरी बहन और मेरी बेवा माँ। वालिद हुजूर चले गए और आज ना तीन दिन हो गए रोटी कोई नहीं खाई। मैं उन मंजरों, उस मंजर को भी जानता हूं कि जब यतीम घर में इकट्ठे बैठे होते हैं और पता होता है उनको कि हमारी अम्मा के पास आज पैसे कोई नहीं और घर में रोटी भी कोई नहीं, तो फिर उनको भूख ही नहीं लगती। हाँ हाँ नहीं लगती। अम्मा पूछती है, पुत्र रोटी खानी है? नहीं नहीं मेरी तो, मैं तो सवेरे जो खाया था वो हजम ही नहीं हुआ। अम्मा जी शाय ही कोई नहीं। ये पर्दे इस तरह करके बचाए जाते हैं, एक दूसरे को तसल्लियाँ देना, एक दूसरे से प्यार का बढ़ जाना, एक दूसरे के लिए जज्बात और तरह के बन जाना, हिकमत इलाही के तकाजे होते। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, बेवा माँ है, यतीम बहन है, तीन दिन से खाया कुछ नहीं, कुर्बान जाए वो घर जहाँ से कायनात खाती है सारी। हुजूर ने फरमाया, बिलाल जा ना, जा के सारी अजवाज मुतहरात से पूछ घर में क्या है। हज़रत बिलाल कहते हैं, मैं सारे घर ही पूछ आया, टटोल आया, टोटल 21 खजूरें निकली। ये दो जहाँ के शाह हैं और पास कुछ रखते नहीं, दो जहाँ की नेमतें हैं इनके खाली हाथ में। हुजूर के सारे घर को मैं ढूंढ, 21 खजूरें निकली तो ला के मैंने पेश कर दी, तो हुजूर ने डायरेक्ट उसको नहीं दी, नबी पाक ने अपने हाथ पे रख ली। और कहते हैं फिर हुजूर ने ना अपना मुंह मुबारक करीब किया खजूरों के। सहाबा खुद फरमाते हैं कि ये जो हुजूर ने मुंह मुबारक करीब किया ना, तो नबी पाक बरकत की दुआ कर रहे थे। 21 खजूरों पे बरकत की दुआ हुई। हुजूर ने उस बच्चे को बुलाया, थपकी दी, फरमाया ले जा सात तेरी बहन की। इन्हें मामूली ना समझना, हो तो हजरत बिलाल कहते हैं हुजूर तीन भी दे देना कभी तो 30-30 साल खत्म ही नहीं होती। 30-30 साल गुजर जाते हैं, निकालते रहो खाते रहो, खत्म ही नहीं होती। हुजूर ने फरमाया सात तेरी बहन की, सात तेरी वालदा की। और सात हुजूर ने और भी तलकीन फरमाई, फरमाया एक सवेरे खाया करना, एक शाम को खाया करना, ले जा। हजरत सैयदना बिलाल हबशी कहते हैं रदी अल्लाह तआला अन्हु के बच्चा लेके जब बाहर निकला तो हजरत सैयदना माज़ इब्ने जबल दौड़ के गए और जाके बच्चे के सर पे शफकत से हाथ फेरा, का फिक्र ना करना, रब करीम तुझे बेहतरीन सरपरस्त अता करेगा, पुत्र परेशान ना होना, अल्लाह तेरी मदद करेगा। सिर्फ हौसला दिया, सर पे दस्त शफकत फेरा, बच्चा चला गया। तो हुजूर ने फरमाया माँ इधर आओ ना जरा। या रसूल अल्लाह हुक्म हो, फरमाया किस चीज ने तुम्हें उठाया बच्चे के सर पे हाथ रखने के लिए, किसने तुम्हें कहा, किस चीज ने तुम्हें उठाया जो तुम बच्चे तक पहुंच गए। अर्ज की या रसूल अल्लाह, वो जो मेरे दिल में अल्लाह ने यतीम के लिए रहमत रखी है ना, उसने मुझे उठाया था और मैंने जाके उसके सर पे दस्ते शफकत फेरा। तो हुजूर फरमाने लगे, सुन फिर, जो किसी यतीम के सर पे खाली हाथ भी फेर दे, जितने बाल उसके हाथ के नीचे आएंगे ना, रब उतनी खताएं माफ करेगा, उतनी नेकियां देगा, उतने दर्जे उसके बुलंद कर देगा। खाली दस्ते शफकत ही फेर दे, देना दिलाना तो बाद की बात है, उसका ख्याल रखना। तो ये जो हमारे मदारस है ना, इनमें अक्सर बच्चे गरीब होते हैं, लेकिन कुछ बच्चे तगड़े घरों के भी होते, मालदार घरों के भी होते। इसमें अगर कोई ऐसा बच्चा आ भी जाता है ना जो यतीम है, कमजोर है, तो अपने आप को महसूस नहीं करता कमजोर, क्योंकि वो ये नहीं समझता कि मैं यतीम खाने में आया हूं। उसके जहन में माइंड सेट ये होता है कि मैं मदरसे में आया हूं और मैं पढ़ने के लिए आया हूं। और चूंकि वो कुछ वजादार बच्चे, मालदार बच्चों के साथ वक्त गुजारता है, उसी दस्तरखान पे बैठ के खाता है, उसी क्लास में सबके साथ बैठ के पढ़ता है, तो उसकी इज्जत नफ्स मजरूह होने की बजाय ताकत पकड़ती। वो बराबरी की सतह पे जब आता है तो उसे महसूस होता है कि मुझे इज्जत दी जा रही। इसलिए मदारस इस्लामिया मेरी नजर सबसे मजबूत जगह है, जहां मसाकीन की, यतीमों की, गरीबों की सही मानों में किफालत भी होती है, तालीम भी होती है, इज्जत भी होती है, तरबियत भी होती है। मेरे रसूल करीम अलैहि सलाम बड़े इन्हिमाक के साथ, बड़े तवज्जो के साथ। अच्छा एक काम और होता है हमारे यहाँ, वो क्या है, अगर कोई यतीम माल छोड़ गया ना उसका बाप, तो फिर तो वारे नहीं आ रहे हैं उसके, फिर तो अल्लाह खैर करे कि बहुत सारे मिल जाएंगे किफालत करने वाले, बहुत सारे मिलेंगे ध्यान रखने वाले, बड़े सारे मिलेंगे तवज्जो देने वाले। कुरान मजीद ने फरमा दिया है कि जो यतीम का माल खाता है वो समझ ले कि मैं माल नहीं खा रहा, मैं आग खा रहा हूं।
आग खा रहा हूं, आग। सूरह निसा देखिए, हमारे यहां अगर तो वो माल छोड़ गया है तो फिर तो बहुत सारे रिश्तेदार मुस्तकिल उसके मोहल्ले में मकान लेने को तैयार हो जाते हैं, इल्ला माशाल्लाह। फिर तो बड़े सारे ऐसे भी रिश्तेदार बन जाते हैं जिनको वालिद की मौजूदगी में कभी ज्यारत का मौका भी नहीं मिला था। ये माल जो यतीम का है, इसकी तो ज्यादा हिफाजत करनी थी। हम कई दफा मसला बताते हैं, लोग फतवाबाजी शुरू कर देते हैं। मुझे बुलाया गया कि एक साहब का इंतकाल हो गया, तो उनका ख़त्म शरीफ है, तो बच्चे उनके नाबालिग हैं। तो मैंने कहा कि आप इस तरह करें, उनके माल में से ज़्यादा पैसे ना सरफ करें। नहीं जी, नहीं, बड़े पैसे कमाए हैं जी, उसने सारी ज़िंदगी बाहर निकाली है, तो लाखों करोड़ों कमाए हैं, तो छोटा गोश्त पकाएंगे, बकरे का गोश्त पकाएंगे और हम उनका ख़त्म शरीफ दिलाएंगे। तो मैंने कहा साहब आप रिश्तेदार हैं, उनके बच्चों के माल की हिफाजत करें। ख़त्म शरीफ तो उसमें गोश्त ज्यादा होना जरूरी नहीं, उसमें तो दर्द से दुआ करना जरूरी है, उसमें तो तिलावत कुरान पाक के साले सवाब में जरूरी है, जिक्र अजकार जरूरी है। लेकिन क्या किया जाता है कि बेदरेग माल उनका अगर हो तो, एक हदीस पाक है बुखारी मुस्लिम में, बड़े गौर से सुनिएगा और इसके अंदर जितने पहलू हैं उन पर पूरी तवज्जो दीजिएगा कि कहीं हम इधर आ तो नहीं गए। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ना हमारे लिए सबसे बड़े हकीम है, सबसे ज्यादा हिकमत हुजूर ने हमें बतलाई है कि इस रास्ते चलोगे तो बचोगे, इस रास्ते जाओगे तो हलाक हो जाओगे। नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, बुखारी मुस्लिम में फरमाया, सात हलाक करने वाली चीजों से बचना, अगर इनमें तुम चले गए तो हलाक हो जाओगे। सात चीजें हैं जो तुम्हें हलाक कर दें, बर्बाद हो जाओगे, तबाह हो जाओगे, हलाकत का सफर है ये। सात चीजों से बचो या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वो कौन कौन सी? तो हुजूर ने फरमाया अल्लाह के साथ शरीक ना करना, हलाक हो जाओगे। दूसरा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जादू ना करना, हलाक हो जाओगे। हलाक, ओ यार जिसे हुजूर फरमा रहे हैं हलाक हो जाए वो बचेगा? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तीसरे नंबर पर फरमाया जिस शख्स के कत्ल करने को अल्लाह ने हराम करार दिया है उसे कत्ल ना करना, हलाक हो जाओगे। चौथे नंबर पर रसूल पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया सूद ना कभी भी खाना, हलाक हो जाओगे, हलाक। बड़ी बड़ी दलीलें दी बैंक वालों ने, बड़ा समझाया तो आदि साहब मान गए, मोहतरम मान गए, कहने लगे नहीं जी नहीं, वो कारोबार में लगाते हैं। बड़े भोले भाले हैं हम, पता सारा है। और देखो सब कामों के बावजूद मुस्तकिल बैंकों में पैसे उस अकाउंट में रखे हुए हैं जहां से मुस्तकिल सूद आता है। हुजूर ने फरमाया ना करना ये काम, तू कहते मैं सूद पे पैसे लेके कारोबार चमकाऊंगा, तेरे नबी पाक ने तो फरमाया तू हलाक हो जाएगा। तू कहते मैं मेल लगाऊंगा, हुजूर ने तो फरमाया हलाकत है। तू कहते मैं बड़ा कुछ कर जाऊंगा तो हलाकत है। अच्छी तरह समझ ले, असल माल भी जाया हो जाता है उस बंदे का जो सूद का माल मिला लेता है, असल बरकत भी उड़ जाती। और मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पांचवें नंबर पर फरमाया यतीम का माल ना खाना, हलाक हो जाओगे, ना खाना इनका माल। ये करोड़ों हो, अरबों हो या दस रुपए हो, यतीम का पैसा ना खा जाना, हलाक हो जाओगे, हलाकत तुम्हें आ लेगी। और फिर छठे नंबर पर नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया कुफर से जहाद हो रहा हो तो कभी पीठ फेर के भागना ना, हलाक हो जाओगे। और सातवें नंबर पर अल्लाह के रसूल ने फरमाया बेकसूर और बेगुनाह औरत पर तोहमत ना लगाना, बिला वजह बहू के खाते ना कुछ डाल दे, बिला वजह भाभी और बीवी और किसी भी खातून पर कोई इल्जाम, बेकसूर औरत पर बहतान ना लगाना। मार मार के एक शख्स ने बेहाल कर दिया बीबी को और बाद में पता चला कि जी मुझे शक है तवीज कराती है। क्या आपकी सोच है, मुसलमान अल्लाह को मानने वाला और इस बातों पर इल्जाम लगाएगा, तवीज करा के लाती। बेकसूर औरत पर बहतान, एक तो बात है उसे मारना और एक ये है कि कोई तकलीफ देना, और एक खाली इतनी बात की कि बहतान भी ना लगाना उस पर, इल्जाम ना लगाना। यानी तुमने सिर्फ बेकसूर औरत पर इल्जाम ही लगाया तो हुजूर फरमाते हैं हलाक हो जाओगे। ये हलाकत वाला काम है, लेकिन हम बगैर सोचे समझे कह देते हैं उसने कहा है, उसने किया है, ये करती है, ये काम नहीं करें। ये सात वो चीजें हैं जो हलाक कर देंगी। नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं मैं ना जन्नत का दरवाज़ा खोलूंगा तो एक औरत को ना मैं सबकत ले जाते हुए देखूंगा, यानी वो जल्दी से जन्नत में दाखिल हो रही। या बाज़ शारहीन कहते हैं कि हुजूर दाखिल होते ही सबसे पहले उसका चेहरा देखेंगे।
हुजूर फरमाएंगे तू पहले ही आ गई, बीबी जन्नत में, हुजूर ने दरवाजा खोला तो जल्दी से नजर आई, तू पहले आ गई। सब ने लिखा है कि इस औरत की शान यह है कि सबसे पहले जन्नत में गई। मैंने हदीस पढ़ी तो मैंने नीचे आशिये में लिखा, मैंने कहा मेरा ख्याल ये है कि इसकी ज्यादा शान यह है कि जन्नत में इसकी सबसे पहली मुलाकात मदीने वाले महबूब से हो गई। ये देखो कितनी बड़ी शान। हुजूर फरमाने लगे तू कैसे पहले ही आ गई, कौन है तू? तो वो कहने लगी हुजूर मैं बेवा हूं, मेरे बच्चे यतीम थे, मैंने उनकी खातर ना बैठी रही, मैंने निकाह नहीं किया, मैंने उन यतीमों की परवरिश की, बेवा बन के जिंदगी गुजार दी, उन यतीमों के लिए बैठी रही। इसको जायज है, ये कर सकती थी, लेकिन इसने सोचा कि मैं इनकी निगेबानी यतीमों के लिए बैठी रही। आज शान ये है कि मदीने वाले के लिए जब दरवाजा खुला है तो इस बीबी को भी रब करीम ने फौरन ही जन्नत अता फरमा दी, ये सबसे पहले गई। मैंने देखी हैं ऐसी औरतें 23 साल में बेवा हुई पर उम्र बच्चों के नाम कर दी। उसे पता था कि कल को जब ये बड़े होंगे तो ये अपने कमरे का दरवाजा बंद कर लेंगे, ये नहीं पूछेंगे कि अम्मा सोई है कि जाग रही है, इनका आना जाना अलग से हो जाएगा, इनके ताल्लुकात अपने हो जाएंगे। पर ये बैठी रही, ये बैठी रही, इसने बच्चों को वक्त दिया तो बच्चे तो क्या इसको सिला देते थे, रब ने ये सिला दिया है कि सबसे पहले इसे जन्नत में दाखला अता फरमाया। अबू दाऊद शरीफ में मुस्नद इमाम अहमद बिन हंबल में हदीस है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा जात थे हजरत जाफर तैयार, मौला अली शेर खुदा के भाई थे, जंगे मौता में शहीद हो गए। वहां से कोई खबर लेके नहीं आया, लेकिन रब खबरें देता है ना अपने हबीब को, अल्लाह गैब के खजानों की कुंजियां देता है अपने महबूब को। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ना उनके घर गए, उनकी जौजा का नाम अस्मा बिनते उमैस था। हुजूर ने फरमाया अस्मा मेरे भतीजों को मेरे पास लाओ, मोहम्मद बिन जाफर और अब्दुल्ला बिन जाफर रदी अल्लाह ताला, बच्चे करीब आए। हुजूर को पता है इनके वालिद शहीद हो गए, नबी पाक ने अपनी नाक मुबारक उनके रुखसारों पर रखे, फिर हुजूर ने उनका माथा चूमा, फिर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सीने से लगाया, फरमाया हजाम को बुलाओ ना ज़रा, इनके बाल तराशे, कितने कितनी बड़े हो गए, हजामत होने वाली। हुजूर प्यार कर रहे थे, आंखों में आंसू थे, तो जनाब अस्मा करीब आई, कहने लगे हुजूर मेरे शोहर की कोई खबर आ गई है? तो नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने गर्दन मुबारक उठाई तो आंखों में आंसू थे, फरमाया रब ने मेरे भाई को शहादत का दर्जा अदा किया, फरमाया कोई आहो बकार ना करना मेरे भाई पर, अल्लाह ने उसे शहादत का दर्जा दिया है। हजरत जाफिर तैयार के घर वालों के लिए हुजूर ने सहाबा को हुक्म दिया कि ये गम में हैं, इनके लिए खाने पका के लाओ। फिर नबी पाक उन बच्चों से प्यार करने लगे, फरमाने लगे ये जो है ना मोहम्मद बिन जाफर, ये अपने दादा जनाब अबू तालब से मिलता जुलता है, और ये जो अब्दुल्ला बिन जाफर है ये तो सारा मेरे साथ मिलता जुलता है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम प्यार करते, बातें करते, हजरत अस्मा रोने लगी। ये अबू दाऊद शरीफ में, मुस्नद इमाम अहमद बिन हंबल में चमकते जुमले। अर्ज करने लगी हुजूर मेरे बच्चों का क्या बनेगा, कौन किफालत करेगा, कुर्बान जाएं। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के क्या जुमले, यतीमों के लिए हुजूर का नवाजने का क्या अंदाज है। फरमाया आसमां तू फिक्र न कर, अना वलीहुम फिद दुनिया वल आखिरा, फरमाया मैं दुनिया में भी इनका वारिस बनूंगा, कयामत के दिन भी इनका वारिस बनूंगा। तू सिर्फ दुनिया की बात करती है कि निजाम मईशत का कैसे चलेगा, और मेरा वादा यह है कि दुनिया में भी इनकी सरपरस्ती करूंगा, आखिरत में भी सरपरस्ती करूंगा, आखिरत में भी मैं इनका ख्याल रखूंगा। आप गौर तो फरमाएं, तवज्जो तो करें कि इस कदर ज्यादा हुजूर का इन्हिमाक इस तबके के साथ हमें अपने दाएं बाएं अजीजों में, रिश्तेदारों में, दोस्तों में, इलाका में, पड़ोसियों में, मोहल्लेदारों में देखना चाहिए। ये बच्चे बेचारे मैंने देखा है इनके बिगड़ने में असल बात ये होती है कि कोई मुखलिस होके सरपरस्त नहीं बनता। आगे बढ़ें, अपनी अपनी खिदमात पेश करें, और जिस तरह हमारा बच्चा बिगड़ जाए तो हम उसके लिए पूरी कोशिश करते हैं, जद्दोजहद करते हैं, हालात वाकयात पस मंजर पेश मंजर का जायज़ा लेते हैं कि कौन से असबाब इख्तियार किए जाएँ तो ये ठीक हो सकता है। वो सारी चीज़ें इनके लिए भी हमें इख्तियार करनी चाहिए, और ये बच्चे अगर एहसास ज़िम्मेदारी पकड़ जाएँ,
जो वारिस से महरूम हो जाते हैं, ये अगर एहसास जिम्मेदारी पकड़ जाए तो फिर ये कौमों की क्यादत करते, फिर ये बहुत बड़े जांबाज साबित होते हैं, फिर ये अपने घर घराने का नहीं, ये मिल्लतों के कौमों के लिए मिशअल राह बनते हैं। लेकिन शर्त ये है कि हम इनके लिए अपने दिलों को कुशादा करें, सीनों को वसी करें। अल्लाह करीम समझने की तौफीक अता फरमाए। आखिर दावा या अनिल बुल्ले शालों की हंस के यार मना लेंदे, ते साडा रोना भी ना मन जूर होया, मंजूर होया।